अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर अनबॉक्सिंग मोस्ट अवेटेड कलेक्शन, दैट इज़ हुसैन रिहार वेडिंग कलेक्शन। इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो DM भी किया हुआ था और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो विदाउट टाइम वेस्ट ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा जी, फर्स्ट ड्रेस है ये। प्राइजेस क्योंकि इसके ऊपर नहीं लिखी होती, पर प्राइजेस की कोई 37,000 से 44,900 तक की प्राइस है, तो जो है इसके बिटवीन है। ये जो है ब्लैक कलर का ड्रेस और इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और 14 इसके टोटल पैनल्स हैं, 7 जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स हैं। इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है बिकॉज जब ये कटेंगे तो सारे जो है फिर एक साथ होंगे। तो 7 पैनल्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड और उसके अलावा जो है ब्लॉक प्रिंट है। इस ब्लॉक प्रिंट की सीधी साइड आई थिंक ये है या ये है, आई डोंट नो, क्योंकि पिक्चर में तो कुछ इस तरीके से लग रही है। तो ये जो ब्लॉक प्रिंट है इसके भी 7 पैनल्स हैं, यानी कि 14 पैनल्स टोटल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हैं बॉर्डर्स, और ये बॉर्डर जो है ये बड़ा ख़ासा अख़बारी का काम होता है क्योंकि हर एक पैनल के नीचे जो है ये बॉर्डर कट के लगता है। तो ये भी आई एम श्योर जितने फ्रंट के हैं जितने पैनल्स हैं उतने ही होंगे। उसके अलावा ये है इसकी बॉडिस का फैब्रिक जो कि चौड़ाई में तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये बैक है और ये है फ्रंट जिसका काम जो है बहुत खूबसूरत है। एज़ यूजुअल इसका काम जो है बहुत बारीक और डिफरेंट तो होता ही है हुसैन रिहार का, लेकिन ये कि इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट हुई हुई है बहुत ज़बरदस्त, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका साइज़ जो है मुझे लगता है कि लार्ज तक बन जाएगा। गला अलबत्त बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हमेशा इसको जो है या तो कट करना पड़ता है ना कुछ जो है वो इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद ये इन्होंने 3 बॉर्डर दिए हैं एक्चुअली, और ये एक छोटा सा है और उसके अलावा जो है ये 2 बॉर्डर है जो कि लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स के बॉर्डर हैं, और उसके अलावा है दामन बॉर्डर जो कि मुझे ज़ाहिर दामन का ये वाला नहीं हो सकता। अच्छा, दामन का बॉर्डर ये है और पिक्चर में जो है बॉर्डर के ऊपर ये वाला वो भी लगा हुआ है जो कि इसके पैनल्स में दिया हुआ है, लेकिन ये लगने के बाद ही आइडिया होगा कि सारे पैनल्स में आने के बाद जो है ये इतना होता है कि इन सारे एक बॉर्डर के ऊपर भी आ सके। और ये जो है इन्होंने स्लीव के एज पे बॉर्डर लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो है एक स्लीव का एज का है और 2 जो है वो बॉडिस के फ्रंट एंड बैक के हैं। तो मेरे ख्याल ये बैक का होगा क्योंकि एक पिक्चर में जो है वो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। उसके बाद ये इसकी स्लीव्स, ये एक ख़राब बात है जो कि सारे लोग इससे डिसअपॉइंट होते हैं कि फॉर्मल कलेक्शन हो या कोई भी हो, इन्होंने जो है वो एम्ब्रॉयडरी सिर्फ मिडिल में दी होती है और साइड पे जो है वो जोड़ लाजमी लगना होता है। तो इसका साइड एक्सटेंशन का फैब्रिक जो है वो प्लेन ऑर्गेन्जा दिया हुआ है जो कि साइड पर जोड़ लगेगा, और इसका जो है वो मिनिमम स्मॉल साइज़ ही बन पाएगा, मतलब थोड़ा जोड़ आएगा बट ये कि आएगा ज़रूर बिकॉज और कहीं नहीं तो एटलीस्ट आर्म होल के पास आएगा। लेकिन वैसे काम इसका खूबसूरत है, छोटी छोटी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, बहुत बारीक जो कि नफीस डिफरेंट काम है, और ब्लैक जो है वैसे ऑल सीजनल जो है वो खासा खूबसूरत होता है। अच्छा, उसके बाद है इसका दुपट्टा, और दुपट्टे का भी ऑलमोस्ट यही स्टाइल होता है। दुपट्टे के लॉन्ग साइड पे इसका बॉर्डर बना हुआ है एंड पल्लू का बॉर्डर फिर उन्होंने सेपरेट दिया हुआ है। बीच में जो है काफ़ी करीब बूटियां हैं, ये सारा कटवर्क होगा, और ये हैं दुपट्टे के पल्लू के बॉर्डर्स। उसके अलावा उन्होंने जो है 2 फैब्रिक्स दिए हुए हैं, एक तो है इसमें फिनिशिंग का और एक होगा बॉर्डर्स की लाइनिंग का, बिकॉज इन्होंने पूरी लाइनिंग लगाई भी नहीं तो फैब्रिक देते भी नहीं। ब्लैक इन्होंने फिनिशिंग का फैब्रिक दिया हुआ है, इस बार कॉन्ट्रास्ट का नहीं दिया हुआ जो कि इनका प्रिंटेड कपड़ा होता है। और उसके बाद है ये इसका कोरियन रॉ सिल्क फैब्रिक है, और इस पर लिखा हुआ है आई डोंट नो इस पर, अच्छा 5.5 मीटर जो है इसका फैब्रिक है कोरियन रॉ सिल्क का, और लहंगे के लिए जो है वो काफ़ी होता है। उसके अलावा जो इन्होंने लहंगे पर गोटे लगाए हुए वो एक बड़े साइज़ का भी लगाया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ, और ये छोटा सा गोटा दिया हुआ है जो छोटी वाली लाइंस हैं ये दिया हुआ है। सो ओवरऑल ड्रेस जो है खासा खूबसूरत है। लेट्स सी अदर वन।
अच्छा जी, ब्लैक वाला जो मैंने इससे पहले दिखाया है उसकी प्राइस है 39,900, और इसका कोड है नगमा। इसकी प्राइस है 33,900। कलर इसका पिक्चर की तरह ही है, बेज कलर है, फ्रंट ओपन स्टाइल है ये, और काम इसका जो है बहुत खूबसूरत है। एक तो कलर फैब्रिक शिफॉन है इसका, लाइनिंग का फैब्रिक इन्होंने जो है वो कॉटन सिल्क दिया हुआ है, और इसके जो है एम्ब्रॉयडरी के कलर्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं, और एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त है, हैंड वर्क टचिंग जो हुई हुई है, जो कि हुसैन रिहार का मोस्टली हमेशा जो वेडिंग कलेक्शन का जिस तरीके का काम होता है वैसा है, और एम्ब्रॉयडरी वेरी नीट, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। उसके बाद जो है दामन का फ्रंट एंड बैक का ये बॉर्डर है। अच्छा, साइज़ में ही बता दूं कि ये साइज़ बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, मे बी उन्होंने जैकेट स्टाइल बनाया हुआ कि बीच में बहुत ज़्यादा गैप आए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे लगता है ये मीडियम टू मैक्स, मुझे लगता है मीडियम बन पाएगा। दामन का बॉर्डर तो थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, ये कर सकते हैं कि प्लेन शिफॉन जो है वो साइड पे लगा सकते हैं, या मे बी बैक से थोड़ा सा बचे। फ्रंट का जो दामन का बॉर्डर है, फ्रंट एंड बैक दोनों का, बहुत ही खूबसूरत है, बट इन्होंने जो है उसके बीच में भी इस बॉर्डर के ऊपर और नीचे जो है वो गोल्ड लेस लगाई हुई है। अगर हम लगाएंगे तो वो सिर्फ उसको इसका काम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कट करके लगाएंगे तो सिर्फ ज़ाया होगा, ऊपर की साइड जो है वो लगाया जा सकता है, अदरवाइज़ ऑलरेडी जो है इसका बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही होती, मैं हमेशा बताती हूँ जो वाकई मुझे अच्छा लग रहा था मैं वही बताती हूँ। अच्छा, ये है इसका बैक का कपड़ा। बैक का कपड़ा जो है फ्रंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाना हो तो मेरे ख्याल से 3-3 इंच जो है वो फ्रंट पे लगाया जा सकता है, और क्योंकि बॉर्डर उसका काफ़ी बड़ा है तो वो जो है उसको कवर कर लेगा और साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका फ्रंट एंड बैक हो गया, जो कि बहुत ही हसीन है। और उसके बाद ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स का काम भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है, और इसके ऊपर जो है बहुत छोटी डिटेलिंग है, बहुत छोटा बारीक काम हुआ हुआ है, जो इसकी टचिंग है, एम्ब्रॉयडरी के जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, स्लीव्स का बॉर्डर जो मुझे लग रहा है यही होगा, क्योंकि पिक्चर में ये दिया हुआ है, और कहीं का हो नहीं सकता, क्योंकि दुपट्टे का बॉर्डर जो है वो डिफरेंट है। तो ये स्लीव्स का बॉर्डर जो है वो काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है, और उसके बाद स्लीव्स का मिडल हो गया। उसके बाद स्लीव्स का साइड एक्सटेंशन का कपड़ा, ये एक थोड़ी सी ख़राबी है, जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा इतना महंगा जोड़ा होता है तो कम से कम ये कर लेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा दे दें। अच्छा, फ्रंट ओपन पर जो ये स्कैलप वाली लेस लगी हुई है ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है, ये खुद ही सेपरेट लेनी होगी। उसके बाद एक छोटी सी लेस दी हुई है जो कि पूरे फ्रंट ओपन पर आ रही है, आई होप कि ये दोनों साइड पर हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, स्लीव्स का ये भी बॉर्डर है, लेट मी सी, मे बी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे लगता है स्लीव्स का ये बॉर्डर होगा और ये शायद कहीं होगा और होगा, तो इसको फ़िलहाल साइड पर रखते हैं। अच्छा, जो बॉर्डर मैं दिखा रही थी वो एक्चुअली दुपट्टे का बॉर्डर है, और ये है फ्रंट एंड बैक की साइड एक्सटेंशन जो कि बहुत खूबसूरत हैं। ये जो कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं और जो स्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये फ्रंट एंड बैक के साइड एक्सटेंशन है, ये वाला बॉर्डर जो है स्लीव्स का है, स्लीव्स के साइड एक्सटेंशन आगे ही बता दिया मैंने। उसके बाद जो है ये इसका जो पूरा लहंगा बना हुआ है, इसको क्रश ही किया हुआ है वैसे ही कॉटन सिल्क का फैब्रिक है, और अभी तक ये गीला है, एक्चुअली ये सारा ऐसे लग रहा है जैसे कल ही डाइट हुआ हो, और इवन जो कॉटन सिल्क है वो भी गीला ही है, ये पूरा पूरा सूट जो है वो अभी तक गीला है। अच्छा, उसके बाद ये है इसका दुपट्टा, जो कि पिक्चर में लोगों को देख के लग रहा था कि इतना इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब ये है कि कॉमन सा डिज़ाइन है दुपट्टे का, शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद ये दुपट्टे के इसके पल्लू के बॉर्डर हो गए, जो कि मुझे लग रहा था कि शर्ट का है कुछ, और फिर उसके बाद इन्होंने ये गोटा दिया हुआ है जो कि लहंगे पर पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इन्होंने दिया हुआ है, और फिर इन्होंने सैटन सिल्क का जो कि कहीं से भी मैच ना करता हुआ फिनिशिंग का फैब्रिक दिया हुआ है, जो कि हम तो ये यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ड्रेस जो है बहुत खूबसूरत है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये है थर्ड कोड, इसकी प्राइस है, इसका कोड है ताब, और इसकी प्राइस है 43,900। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसका। उसके बाद इसके जो है एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स है 3 फ्रंट के, एम्ब्रॉयडरी का कलर बहुत खूबसूरत है, बेस जो है इसका नॉर्मल मरून है, बट जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है उसमें जो है पिंकिश सा कलर है, पिंक के शेड्स हैं 2-3, और उसके बाद जो है ब्राइट सा मरून है, जो कि मुझे एम्ब्रॉयडरी के कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड वेरी नाइट वेरी नीट एम्ब्रॉयडरी, सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो है 3 पैनल्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं, उसके बाद ये जो है 11 पैनल्स हैं जिसके अंदर जो है वो ब्लॉक प्रिंट हुआ है, तो 11 पैनल्स हैं, यानी कि टोटल हो गए 14 पैनल्स। तो 14 पैनल्स में जो है बहुत ज़बरदस्त फ्लेयर बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
ये जो बॉर्डर्स हैं ये भी 14 बॉर्डर्स हैं, यानी हर पैनल के नीचे जो है ये बॉर्डर अटैच किया जाएगा। मगर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर डबल बॉर्डर दिखाया हुआ है, और ये लास्ट ईयर भी एक सूट में था, दो वाइट सूट थे लास्ट ईयर के कलेक्शन में, जिसमें एक में जो है डबल बॉर्डर दिखाया हुआ था मगर प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। तो इसका जो है एक बॉर्डर तो ये आएगा जो ऑलरेडी इसके ऊपर बना हुआ है, और एक बॉर्डर ये वाला आएगा, ये डबल बॉर्डर ना तो इसमें दिया हुआ है, उसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो इसलिए जो है इसका क्लेम करना बनता नहीं है। और उसके बाद है इसकी फ्रंट की बॉडी। अच्छा, क्योंकि अब दोनों को साथ जोड़ा हुआ है तो मैं इसका सिर्फ वन साइड दिखा सकती हूँ। इसका काम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। आई होप कि जितना ये खूबसूरत है आपको वैसे नज़र आ रहा हो, क्योंकि दोनों साइड कट के साथ में आएंगी तो फिर जो है वो होगा। काम इसलिए खूबसूरत है कि इसके ऊपर बहुत छोटी बारीक बारीक जो है ये सारी हैंड एम्बेलिशमेंट है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मल लग रहा है। तो आई लव दिस वर्क। उसके बाद ये इसकी बैक की बॉडी है। बैक की बॉडी जो है वो, अब फ्रंट को खैर मैं ज़ाहिर साथ करके देख नहीं रही, लेकिन बैक की तो बॉडी जितनी दी हुई है लार्ज साइज़ से बड़ा साइज़, इनफैक्ट एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ जो है वो आराम से बन जाएगा इसमें ना। उसके बाद फ्रंट की बॉडी के लिए एक तो ये बॉर्डर दिया हुआ है फ्रंट की बॉडी के लिए, और दूसरा होना चाहिए स्लीव्स के लिए, बिकॉज़ हाँ ये, हालांकि मैंने कोई देखा नहीं ना कोई रिहर्सल किया है, इसमें जो नज़र आ रहा है क्योंकि बैक पे बना हुआ है, तो ये हैंड एम्बेलिश जो है फ्रंट का बॉर्डर है, और बॉर्डर भी जो है ये काफ़ी बड़ा सा, यानी लार्ज से अच्छा बड़ा साइज़ आराम से बन जाएगा। ये फ्रंट की बॉडी, बैक की बॉडी, स्लीव्स का अलबत्ता वही मामला होगा। अच्छा, ये है इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स का भी बहुत ही खूबसूरत काम है। इसकी बॉडीज़ का, फ्रंट और स्लीव्स का जो है ना बहुत ज़्यादा हसीन काम है। एक तो ऑलरेडी जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं वो मैंने बताया आपको, क्योंकि इसके अंदर पिंक सा शेड दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन इसके ऊपर जो है हैंड टचिंग जिस तरीके से की हुई है बहुत ज़बरदस्त है, ये प्रिंट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो कि साइड एक्सटेंशन के लिए फैब्रिक, वो हुसैन रिहार का एक समझ लें कि स्टाइल ही ये है कि वो कोई भी इसका कलेक्शन हो, करंदी या फॉर्मल या जो भी, इसमें जो है वो साइड पे जोड़ ज़रूर लगाना पड़ता है, लेकिन ये है कि साइड पे बहुत थोड़ा सा जोड़ आएगा, ऊपर की साइड पूरा जो है ये काम आ जाएगा, पर स्लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसके बाद फिनिशिंग का फैब्रिक तो इन्होंने ये दिया हुआ है जो कि अगली सा सैटन सिल्क है, जो कि पर्सनली हमें नहीं पसंद, हम बिल्कुल भी नहीं लगाते सैटन सिल्क। अगर सैटन सिल्क लगाएं तो इससे बेटर होता है मलाई क्रेप, लेकिन हम मलाई क्रेप भी नहीं लगाते। ये जो है इन्होंने लाइनिंग का फैब्रिक दिया हुआ, ये सारे जो भी हम अनबॉक्स कर रहे हैं सब गीले हैं, और ये जो है कॉटन सिल्क का ये कम फैब्रिक दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल ये बॉडी स्लीव्स तक का होगा, क्योंकि पूरा पूरे ड्रेस का तो लाइनिंग जो है इसकी पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है इसका ये थोड़ा डार्कर शेड का, यानी काइंड ऑफ ब्राउन शेड का जो है इसका लहंगा है, इसमें ब्राउन इसमें लग रहा है वो रेड सा लग रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इसको डबल लेयर कैसे बनाया हुआ है। ये इतना ही कपड़ा है और इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 5.5 मीटर है। अच्छा, 5.5 मीटर में इन्होंने जो है डबल लहंगा कैसे बनाया हुआ है, और फिर इसका ये बॉर्डर, क्योंकि ये सारे गीले हैं तो ये चिपके हुए अभी, कि ये स्क्रीन प्रिंट का जो है इसका बॉर्डर है, स्क्रीन या ब्लॉक प्रिंट इस तरीके से, और ये जो है फ्रंट एंड बैक का हो जाएगा डबल लेयर, तो इसकी भी नहीं होगी। और उसके बाद फिर ये बॉर्डर्स हैं जो कि उसके ऊपर नीचे लगाए हुए दोनों साइड पर, और उस पर भी फिर जो है वो धनक और ट्राइंगल लेस एंड ऑल दैट क्या क्या। फिर उसके बाद है इसका नेट का दुपट्टा, जो कि मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत इसलिए लग रहा है कि इसका पूरा जाल वर्क है, और अच्छा इसका ये है कि लॉन्ग साइड पे जो है इसके पतला सा बॉर्डर बना हुआ है, और ये वाला जो बॉर्डर है ये निकल के पल्लू की साइड पे लगाया जाएगा, तो लॉन्ग साइड पे पतला बॉर्डर है और उसकी साइड जो है थोड़ा सा बड़ा आएगा, और उसके ऊपर नीचे जो है गोल्ड लेस लगाई हुई है जो कि उसके साथ खूबसूरत नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अच्छा, जो इसका नेट का दुपट्टा है, और नेट के दुपट्टा जो है पूरा जाल बना हुआ है, मुझे तो इसका बहुत खूबसूरत लग रहा है, और नेट पे जब ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है तो उसका फॉल बहुत ज़बरदस्त आता है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी लॉन्ग साइड पर पतला सा बॉर्डर बना हुआ है, और ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये इसके पल्लू पर कट के लग जाएगा, फिर इसके ऊपर और नीचे जो है वो गोल्डन लेस, यानी कि एक साइड पे किरण है और एक साइड पे गोल्डन लेस इन साइड पे लगाई हुई है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मगर दुपट्टा जो है मुझे खूबसूरत लग रहा है। और खूबसूरत लगने की एक तो वजह ये कि इसका डिज़ाइन अच्छा है, और दूसरी बात ये कि जो मैंने ऑलरेडी बताया कि नेट पे बड़ा अच्छा फॉल आता है
अगर उस पर ज़्यादा काम हो तो आई लाइक द दुपट्टा। अच्छा, उसके बाद एक और बॉर्डर है जो कि आई डोंट नो कहाँ का है और ये इतना सा बॉर्डर है। अच्छा, ये स्लीव्स का है। तो स्लीव्स के जो हैं, स्लीव्स पे तो हालांकि ये वाला बॉर्डर भी बना हुआ है, ये वाला भी बना हुआ है, तो फिर वो जो बॉर्डर फ्रंट एंड बैक बॉर्डर्स का था, लेट मी सी कि वो शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो। अच्छा, इस वाले बॉर्डर का लिखा हुआ है कि ये फ्रंट का जो वेस्ट का बॉर्डर है एंड बैक की नेक पर। अब आई थिंक हाँ, इसकी पिक्चर जो देखी थी हमने, उस बैक पर जो है ना बहुत बड़ी सी बनाई हुई है, तो वो भी देखना होगा कि टर्न होता है नहीं, तो यानी कि एक साइड का जो बॉर्डर बचेगा वो उस पर लगाया जाएगा। स्लीव्स पर ऑलरेडी जो है बॉर्डर बना हुआ है, स्लीव्स का खासा खूबसूरत बॉर्डर है। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, इसकी बॉर्डर एंड स्लीव्स का काम बहुत ही खूबसूरत है, और उसके बाद जो इसके एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स हैं, ओवरऑल आई रियली लाइक इट। आप सबको कैसा लगा? लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है चमन और इसकी प्राइस है 43,900। इसका इनले कार्ड जो है वो कंपनी की तरफ से आया नहीं है हमारे पास। अब इसके पैनल्स हैं चार इस तरीके के, और उसके बाद ये दो जो है फ्रंट ओपन के पैनल्स हैं, डायरेक्शन जब ये साथ कटेंगे तो ही फिर होंगे, और उसके बाद दो जो है चार और पैनल्स हैं ये वाले, तो ये तकरीब ये टोटल हो गए 10 पैनल्स, यानी कि दो फ्रंट ओपन के और चार आठ हो गए, इस तरीके से पैनल्स हो गए। उसके बाद जो है इसकी फ्रंट की बॉडी, अगर ये लोग एक साथ कट करके दे दें तो हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि कितना बड़ा साइज़ बन सकता है, क्योंकि इससे मुझे आइडिया नहीं हो रहा है। तो ये इसकी बॉडी है। उसके बाद जो है इसके जो बॉर्डर्स दिए हुए हैं, अब क्योंकि एनडी कार्ड मेरे पास है नहीं, तो हो सकता है कि मेरा आइडिया कुछ गलत हो, लेकिन ये कि फ्रंट ओपन पर लेस लगी हुई, फ्रंट ओपन पर है, बॉडीज़ पर है, और उसके बाद जो है बैक की बॉडीज़ पर होगा, मेरा ख्याल है यही हो सकता है। ये जो हो है इसकी, और उसके बाद इसकी बैक की बॉडी हो गई ये बूटी वाली। इसका भी कपड़ा जो है वो जस्ट मीडियम साइज़ हो सकता है, ज़्यादा बड़ा कपड़ा जो है वो नहीं है, तो वो जो बॉर्डर्स दिखाए मैंने वो डेफिनेटली फ्रंट ओपन पर होंगे। अच्छा, उसके बाद ये है एक बॉर्डर जो कि ये होगा या तो फ्रंट के नेक का या बैक के, जो जिस तरीके का स्टाइल बना हुआ है ये बैक के नेक का होगा, क्योंकि वो एक जैसे हैं, वो फ्रंट के होंगे, मेरा आइडिया है। ये इसके पैनल्स के ऊपर लगने की जो है बॉर्डर्स है, जो कि कली के ऊपर लगते हैं, और फिर है इसकी स्लीव्स। अच्छा, ये फ्रंट ही है। अच्छा, इसके जो है एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी के कलर्स बस डल से हैं, तो दिस इज़ जस्ट ओके, मुझे बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। और फिर ये इसके जो है साइड एक्सटेंशन एज यूजल, और नेट का फैब्रिक है, अगर मैंने नहीं बताया पहले, तो फ्रंट एंड बैक सारा हो गया। उसके बाद है इसका दुपट्टा। दुपट्टा अलबत्त खूबसूरत है, मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, मैं इसी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि नेट के ऊपर जब ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी आती है, जाल होता है, तो वो उसका फॉल बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये लॉन्ग साइड पे बॉर्डर बनने में ये वाला बॉर्डर जो है वो कट के पल्लू की साइड को लग जाएगा, और क्योंकि अब मेरे पास सारी वो नहीं है तो मैं हर एक चीज़ का नहीं एक्सप्लेन कर सकती। ये भी दो और बॉर्डर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जो कलियों पे लगने वाले हैं, तो ये भी जब सिलने वक्त जो है और ज़्यादा करीब की पिक्चर्स आएंगी तो फिर आइडिया होगा। अच्छा, ये लाइनिंग का फैब्रिक इतना है कि जस्ट बॉर्डर्स तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर इन्होंने कोरियन रॉ सिल्क का लहंगे का फैब्रिक दिया हुआ है, जो लहंगे का अपर पार्ट का है, और फिर सेम फैब्रिक जो है यानी कि दो पोर्शन में बनाया हुआ, लाइक जैसे उसमें होता है, जैसे फर्शी लहंगा होता है, दो लेयर्स होती हैं उसकी, तो वो ये जो है फिर ब्लू कोरियन रॉ सिल्क सेम फैब्रिक, इसका जो है ये सेकंड जो हिस्सा है उसका वो है। फिर ये ब्लू जो कहीं से मैच नहीं कर रहा सैटन सिल्क, इस बार वैसे भी प्रिंटेड भी इतना इंप्रेसिव नहीं होता था, लेकिन फिर भी कहीं काम आ जाता था। इस बार जो इन्होंने फिनिशिंग का फैब्रिक दिया वो मुझे तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लग रहा। ये शॉर्ट सिल्क फैब्रिक है, नेवी ब्लू है, जो कि एम्ब्रॉयडरी में कहीं नहीं जा रहा, ये ब्लू अलग है और वो ब्लू अलग है, और उसके बाद जो है इन्होंने ये दिया हुआ है। अच्छा, लहंगे के लिए फिर जो है ये इंडियन गोटा भी दिया हुआ है, जिसकी काफ़ी सारी लाइन्स लगी हुई हैं। अच्छा, एक और बात ये कि लहंगे पर तो खैर कोई बॉर्डर नहीं, उन्होंने गोटे का भी सिर्फ एक तरह का गोटा दिया हुआ, इसके ऊपर एक और थोड़ा सा बड़ा जो गोटा लगा हुआ है वो नहीं दिया हुआ। एक और चीज़ ये कि इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है डबल बॉर्डर बना हुआ है, और बीच में जो है वो प्लेन है, प्लेन तो चले समझ में आता है गोटा लगाया हुआ, बट इसका भी डबल बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक ही बॉर्डर जो पैनल्स के ऊपर बना हुआ है वही वाला बॉर्डर है, उसके अलावा कोई सेपरेट बॉर्डर उसी तरीके का नहीं है। फिर कोई
स्कैलप वाली लेस या कुछ भी वो लगेगी, लेकिन ये कि डबल बॉर्डर है ही नहीं इसके अंदर ना अब, क्योंकि मेरे पास वक्त वो नहीं है, क्या कहते हैं, एनडी कार्ड नहीं है कि मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ सकूं कि ये और दिया हुआ भी है कि नहीं. सो दिस इज़ जस्ट ओके, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा. लेट्स सी अदर वन. अच्छा, इसका कोड है रंग और इसकी प्राइस है 36,900. शिफॉन इसका फैब्रिक है. पिक्चर में अलबत्ता ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन लग रहा है और असल में जो है थोड़ा सा डार्क ग्रीन है. पिक्चर में लग रहा है ये धानी ग्रीन था, असल में आई डोंट नो कैसा, मतलब पिस्ताशो शेड की तरफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है. उसके बाद जो है इसका सेंटर पैनल है, ये इसके साइड पैनल्स हैं. इसका जो है फैब्रिक बहुत ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई में बहुत बड़ा साइज़ आराम से बन सकता है. लेंथ जो है वो नॉर्मल ही होगी. हैंड एम्बेलिशमेंट इसके ऊपर ओवरऑल हुई हुई है, काफ़ी अच्छा काम है और शिफॉन की वजह से जो है और ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि फॉल बहुत ज़बरदस्त आता है. उसके बाद जिस तरीके से इसका फ्रंट है वैसे ही इसी तरीके से इसके जो है बैक है. मैं आपको बैक के पैनल्स दिखा दूं, जस्ट जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट उसके ऊपर नहीं है. बैक के दो पैनल्स बिल्कुल जैसे फ्रंट हैं, और ये है इस बैक का सेंटर पैनल, ये इसका साइड पैनल और ये एक और साइड पैनल. तो जिस तरीके से फ्रंट के पैनल्स हैं वैसे ही बैक के हैं, तीन पैनल्स में यानी कि आएगा फ्रंट एंड बैक दोनों. उसके बाद ये एक बॉर्डर है इसका. अच्छा जी, ये हैंड एम्बेलिश बॉर्डर तो है स्लीव्स का, ये बॉर्डर दिया हुआ है बैक की, नेक का, फ्रंट का गला पूरा बना हुआ है. आई होप आपको ओवरऑल लुक नज़र आ रहा हो, क्योंकि लोग जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी ओवरऑल लुक दिखा दिया करें. तो फ्रंट एंड बैक हो गया. उसके बाद हैं ये इसकी स्लीव्स. स्लीव्स का अलबत्त एक ही स्टाइल है उनका, वैसे तो ये काफ़ी है, शायद थोड़ा सा ही जोड़ा है साइड पे, लेकिन वैसे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है. इसका बंच और ये स्टाइल जो है खासा खूबसूरत है. उसके बाद एज का जो है ये अच्छा, लेकिन स्लीव्स का काम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है. इसके ऊपर जो सारी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई, स्पेशली दिस पार्ट, ये सारा बंच वगैरह ये सारा बहुत अच्छा है. उसके बाद स्लीव्स का हैंड एम्बेलिश बॉर्डर जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, ये इसका बॉर्डर है. और फिर साइड एक्सटेंशन के लिए प्लेन शिफॉन, तो ये जो है साइड पे जो जोड़ आएगा इसका वो इसकी प्लेन शिफॉन है. उसके बाद है इसका दुपट्टा, और इस दुपट्टे के काम को कहते हैं काइंड ऑफ फॉयल वर्क, मतलब प्रिंट है एक्चुअली, आई डोंट नो ब्लॉक प्रिंट या कुछ, मतलब गोल्ड सा जो है वो फॉयल टाइप का जो है प्रिंट हुआ है. अच्छा, इसके ऊपर जो है फॉयल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर जस्ट लिखा हुआ है प्रिंटेड दुपट्टा, तो ये चमक वाला सा वो है प्रिंट है. इसके बॉर्डर जो है वो लॉन्ग साइड पर बने हुए हैं और इस तरीके का जो है इसका प्रिंट है. और उसके बाद जो है इसके पल्लू के बॉर्डर्स हैं, ये सारा एप्लिक होगा. और लेकिन जब इसको एप्लिक करके इसके ऊपर पलटा लगा के एप्लिक करते हैं तो ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त लगता है. और पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसे जो है ये नॉर्मल साइज़ का दुपट्टा है. उसके बाद आते हैं इसके शरारे की तरफ. शरारा भी शिफॉन का फैब्रिक है और अच्छा खूबसूरत शिफॉन है. अच्छा, ये भी सारा जो है वो जस्ट प्रिंट हुआ हुआ है, और इसको मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि सारा एक साथ प्रिंट है. प्रिंट के अलावा इसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ है कि अच्छा, ये फिनिशिंग का फैब्रिक है, ये सैटन जो है शरारे की फिनिशिंग का फैब्रिक है. उसके अलावा शर्ट की फिनिशिंग का फैब्रिक ग्रीन ही दिया हुआ है, लाइनिंग अलबत्त अच्छा एक मिनट सॉरी, शर्ट की फिनिशिंग का फैब्रिक ये दिया हुआ है जो मैंने इसके नीचे रखा हुआ था, और ये जो है उन्होंने लाइनिंग का दिया हुआ है जो कि बहुत छोटी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो सारी पिक्चर्स में सिर्फ बॉडीज तक लाइनिंग लगाई हुई, तो उतनी तो है लेकिन बाकी हमारे लिए किसी काम की नहीं. और उसके बाद जो है लहंगे की फिनिशिंग के लिए ये फैब्रिक दिया हुआ है सैटन का, और उसके बाद उन्होंने लहंगे का लहंगे के लिए लाइनिंग दी हुई जो कि बहुत स्टिफ है, बट जाहिर है अब इतनी सारी दी हुई है तो उसको यूज़ करेंगे. और एक ये बॉर्डर दिया हुआ है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ यूज़ हुआ है, और मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो उसमें साइड एक्सटेंशन का तो जिक्र नहीं है, या शायद मुझसे मिस हो रहा है क्योंकि एक साथ इतनी सारी वीडियोज़ बना रहे हैं. शरारे के बॉर्डर का अलबत्ता जिक्र है जो कि होना चाहिए सेम कलर का, और वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब मेंशन होता है तो कंप्लेन करते हैं और वो जो है उसकी वो डेफिनेटली इसको अरेंज करके देंगे ना, बट फिलहाल ये कि इसके अंदर आए नहीं. सो अभी जो है इतने ही ड्रेसेस की वीडियो, जो रिमेनिंग मेरे ख्याल 4 कोड्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. एंड ओवरऑल सारा कलेक्शन जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.